Thank you, Lord. Dhanyavad, Prabhu. Prabhu, jaise Yohanna ne aapki gawahi di, hum bhi aapke gawah hain. Hum aapke jee uthne ke gawah hain. We are the witness of your resurrection. Aapke jee uthne ke gawah hain hum, isliye hum aapko dhanyavad dete hain. Prabhu, ye ravivar ko hum aapke haath mein rakhte hain. Naye vishay ko jo hum seekh rahe hain, puri tarike se aapke haath mein dete hain. बड़ी अपेक्षा के साथ हम बैठे हैं प्रभु कि आप हमसे बातें करेंगे, आप हमको चीजों को सिखाएंगे. जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, हम सबसे आप बातें कीजिए. हम सबके मनों को, दिलों को, आंखों को, कानों को आप खोल दीजिए प्रभु, ताकि आपके वचन को हम ग्रहण कर सकें, वचन के अनुसार हम चल सकें. जो भी निर्णय हम करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में करें और वचन के अनुसार करें. सारी महिमा आपको देते हैं. बड़ी अपेक्षा के साथ यहाँ पर बैठे हैं कि आज आप हमसे बातें करेंगे और हमारा जीवन एक समान नहीं रहेगा. इट विल नेवर बी द सेम. सारी महिमा आपको देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मानते हैं. सुनो, ग्रहण कर. आमेन, आमेन. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. ओके, कलीसिया में आपका स्वागत है. यीशु मसीह के नाम से आप समय निकाल कर आए और प्रभु आपको आशीष करें. आमेन. आज ये पूरा महीना, पांच संडे, हम कुछ नया चीज़ देखेंगे. लेकिन उसमें जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक वचन को देखें. प्रकाशित वाक्य 20 उसका 15, रेवलेशन 20 उसका 15, रेवलेशन 20 उसका 15. थैंक यू लॉर्ड. प्रकाशित वाक्य 20 उसका 15, प्रकाशित वाक्य, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग के झील में डाला गया. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग के झील में डाला गया. आप जानते हैं, नदी आपने देखा है, हर प्रकार के झील को आपने देखा है. ये वचन में लिखा है कि एक दूसरे प्रकार का झील है, वो कौन सा है? आग का झील. आप सोच के देखिए अपनी कल्पनाओं में, आग का झील, द रिवर ऑफ फायर. सोच के देखिए, थिंक अबाउट इट, रिवर ऑफ फायर. और उसमें लिखा है कि किनको आग के झील में डाला जाएगा, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है. जीवन मतलब अनंत जीवन. यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है उनको क्या मिला है? अनंत जीवन. और अगर आपको अनंत जीवन मिला है तो जीवन की पुस्तक में आपका नाम है, इसीलिए आप स्वर्ग में रहेंगे. लेकिन आप सोचिए अपने परिवार के विषय में, आप सोचिए आपके पिताजी के विषय में जो अब तक विश्वास में नहीं है, आप सोचिए अपने माताजी के विषय में, अपने पत्नी के विषय में, पति के विषय में, बच्चों के विषय में जो अब तक विश्वास में नहीं है, या फिर आपके रिश्तेदारों के विषय में जो अब तक विश्वास में नहीं है. अगर उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो उन्हें आग की झील में डाला दिया जाएगा. इसलिए मध्यस्थ करना बहुत जरूरी है. सबसे बड़ा चीज है नया जन्म पाना, सबसे बड़ा चीज. तो अगर आपका कोई परिवार है, आप जिसे प्रेम करते हैं, दोस्त लोग हैं, या फिर भाई बहन हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए आप क्या करें? मध्यस्थ करें. ये बहुत गंभीर है. परमेश्वर बोलेगा नहीं कि बहुत लोग जल रहे हैं, बस करो. वो नहीं बोल सकता. एक बार एक व्यक्ति को आग के झील में डाल दिया गया, वो हमेशा के लिए पाप है. इसीलिए हम प्रार्थना करें आपके परिवार के लिए. अगर उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, आप उनके लिए मध्यस्थ करें.
अगर आपके चाचा हैं, नाना हैं, काका हैं, या छोटे भाई हैं, या बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, अगर यीशु पर विश्वास नहीं किया है, आप मध्यस्थ कीजिए, इंटरसीड. दिस इज वेरी सीरियस. ये बहुत गंभीर है. उनको आग के झील में डाल दिया जाएगा, आग के झील में, जहाँ पर 2400 घंटे लोग क्या होते हैं, जलते रहते हैं 2400 घंटे. इसलिए हम प्रार्थना करें प्रत्येक रूप से, आपके जिसे आप प्रेम करते हैं, आपके परिवार, जो आपके खास मित्र हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह उनके जीवन में क्या करेगा, काम करेगा. एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं होता अगर किसी ने आपके लिए प्रार्थना नहीं किया होता. आप यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया. इसीलिए उन लोगों को लीजिए, दोस्तों के नाम को लिखिए, और उनके लिए अन्य भाषा में मध्यस्थ कीजिए कि उनको आग के झील में फेंका ना जाए, कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह के पास वो आ जाए. आमीन. ठीक है, आज का विषय में जाने से पहले जो वचन है, मैं चाहता हूं कि हम उस वचन को देखें. दूसरा कुरिन्थी 13 उसका 14, दूसरा कुरिन्थी 13 उसका 14. ये जो हम सीख रहे हैं वो है हमारा आज का विषय. 5 संडे हम इस विषय पर सीखेंगे, फॉर 5 संडेज. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति. आप जानते हैं, हमने इतने प्रचारों को सुना है और कई बार हमने सुना है प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत सुना है बहुत लोग हमने, और वो अच्छा है. परमेश्वर के प्रेम को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और हमें प्रेम के बारे में सुनते रहना बहुत जरूरी है. फिर हमने अनुग्रह के बारे में भी सुना है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, और इन जिस समय में हम रहते हैं इतना अनुग्रह के ऊपर शिक्षा है, बहुत बहुत शिक्षा है. तो प्रेम के बारे में सीखा है, अनुग्रह के बारे में सीखा है, सबसे कम हम सीखते हैं किसके बारे में, पवित्र आत्मा की सहभागिता. प्रेम के बारे में प्रचार होता है, बहुत ज्यादा होता है. अनुग्रह के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार होता है, लेकिन उतना ही ज्यादा जरूरी है क्या, पवित्र आत्मा की सहभागिता. ये बहुत जरूरी है. सहभागिता का मतलब है संगति. लेट्स पुट द फर्स्ट लाइन. पवित्र आत्मा की सहभागिता. मेरा ये पूरा महीने का विषय है, ये है पवित्र आत्मा की सहभागिता, द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा की सहभागिता, कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट. आप इस चित्र को ध्यान से देखिए. दो लोग, दो दोस्त लोग साथ में चल रहे हैं, पति पत्नी साथ में चल रहे हैं. पवित्र आत्मा का सहभागिता का मतलब है आप और पवित्र आत्मा कैसे चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं. अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है इसी वक्त, और यीशु मसीह ने कहा, सुनो, पवित्र आत्मा की सहभागिता के बगैर आप पिता के प्रेम को समझ नहीं सकते हैं. आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेम को गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है. यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह के अनुग्रह को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसमें पवित्र आत्मा की सहभागिता बहुत जरूरी है. बिना पवित्र आत्मा के, आप जानते हैं, अगर एक वचन पढ़ता है एक व्यक्ति, बिना पवित्र आत्मा के वचन पढ़ना सूखा है. वो सोचता है कब खत्म होएगा, इतना लंबा क्यों है अध्याय, 50 वर्सेस क्यों है इसमें. बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना क्या है, सूखा है. प्रार्थना में बैठा नहीं, वॉच देखा, खत्म हुआ कि नहीं. बिना पवित्र आत्मा के आराधना सूखा है, बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना सूखा है. बिना पवित्र आत्मा के पिता के प्रेम को आप समझ नहीं सकते हैं. बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह के अनुग्रह को आप समझ नहीं सकते हैं, उसकी गहराई को आप छू नहीं सकते हैं.
वचन मजा नहीं आएगा बिना पवित्र आत्मा के। इसीलिए आप जानते हैं आदम पिता के साथ चला, चेले यीशु मसीह के साथ चले, लेकिन हम जो हैं कलीसिया वो किसके साथ चलता है? पवित्र आत्मा के साथ। आदम पिता परमेश्वर के साथ चला, चेले यीशु मसीह के साथ चले, लेकिन हम जो हैं वो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं। हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति। आपकी सफलता का राज क्या है? पवित्र आत्मा के साथ संगति। आप कोई भी हैं, आप जहां पर भी हैं, आप जानते हैं वचन में लिखा है कि हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। ठीक है, आप जहां पर भी हैं, आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं, आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, या फिर आप कोई अपना बिजनेस करते हैं, आप यीशु मसीह के गवाह हैं। एक परिवार से मैं मिला, उन्होंने कहा मंडे टू फ्राइडे हम गवाही नहीं देते हैं, हम सैटरडे को गवाही देते हैं क्योंकि ऑफिस में नाम बहुत खराब है। ऑफिस कैसे आप गवाही देंगे? ऑफिस में हर दिन आप लेट जाते हैं, क्या गवाही है आपका? इसीलिए वो बोलते हैं, सुनो ऑफिस में गवाही नहीं देते हैं, हर सैटरडे को हम गवाही देते हैं, हर सैटरडे को और संडे को हम गवाही देते हैं क्योंकि ऑफिस में गवाही अच्छा नहीं है। नहीं, आप जहां पर हैं आप वहां के गवाह हैं। कोई बोलता है कॉलेज में मैं गवाही नहीं दे सकता क्योंकि कॉलेज में सब जानते हैं कि मैं कैसा हूं, तो कॉलेज में गवाही नहीं दे सकता, लेकिन संडे को आके आप किसको गवाही देंगे? विश्वासियों को। विश्वासियों को थोड़ी गवाही देना है। आप जहां पर हैं, जो कॉलेज में हैं, जो कंपनी में हैं, जहां पर आप बिजनेस करते हैं, आप वहां पे गवाह हैं। और गवाही को दीजिए। गवाही देना सिर्फ शब्दों को बोलना नहीं है, गवाही देना मतलब गवाही बनना। आपका जीवन एक गवाही बन गया, फिर आपके शब्दों में क्या है? वजन है। अगर आप सबकी तरह बलवा करते हैं, अगर आप सबके साथ मिलकर बलवा करते हैं, आपके मुंह से वो यीशु मसीह का सुसमाचार कैसा सुनेंगे? They will never hear. So, जहां पर भी आप काम करते हैं, आप वहां पे यीशु के गवाह हैं, इसीलिए वहां पर यीशु के चरित्र को प्रकट कीजिए, तब आपके शब्दों में क्या है? वजन है, नहीं तो शब्दों में वजन नहीं है। आपको यीशु मसीह ने जहां पर रखा है, आप वहां पे उसके गवाह हैं। जरा सोच के देखिए, जो कंपनी में आप काम करते हैं, जो सोसाइटी में आप रहते हैं, जो मोहल्ले में आपका घर है, जो बिजनेस आप करते हैं, आप वहां पे गवाह हैं। यू आर अ टेस्टिमोनी। इसलिए जहां पर भी आप हैं, हमेशा याद रखें कि आप यीशु मसीह के गवाह हैं, और बिना पवित्र आत्मा के आपके गवाही का वजन नहीं है। विदाउट द होली स्पिरिट आपके गवाही का क्या नहीं है? वजन नहीं है। ओके, कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा की सहभागिता, कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, ये चीज हम देखिए। यस, गुड, द नेक्स्ट स्लाइड। ये चीज को आप लिखिए। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की सहभागिता मतलब क्या। What does it mean to have the communion of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा की सहभागिता का मतलब क्या है? What does it mean? For example, सबसे पहला चीज हमें याद रखना है कि सफलता की कुंजी है पवित्र आत्मा की सहभागिता। आप जो भी क्षेत्र में हैं, हम सब सफल होना चाहते हैं। ऐसा कोई भी है यहाँ पे जो सफल नहीं होना चाहता है? अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे पढ़ाई में सफल होना है। अगर मेरा विवाह हुआ है तो विवाह में मैं सफल होना चाहता हूं। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस में मैं सफल होना चाहता हूं। अगर मैं घर में माता हूं, पिता हूं, जो भी हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं, मुझे वहां पर क्या होना है? सफल होना है। लेकिन सफलता की कुंजी क्या है? पवित्र आत्मा की। बिना पवित्र आत्मा के, आप जानते हैं यीशु मसीह इतना सफल क्यों था? पवित्र आत्मा की संगति। पत्रस इतना सफल क्यों था? Why was Paul so successful? Why was Peter so successful? Paul और पत्रस इतने सफल क्यों थे? दानियल इतना सफल क्यों था? यूसुफ इतना सफल क्यों था? क्या था उनका रहस्य? पवित्र आत्मा की संगति। That was the secret.
क्यों सेवका इतना बढ़ता है? पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा की संगति। क्यों आपका काम बढ़ेगा? पवित्र आत्मा की संगति। क्यों कॉलेज में आप पहले नंबर पे आएंगे? पवित्र आत्मा की संगति। दैट इज द की। क्योंकि वचन में लिखा है, न तो सामर्थ से, न पढ़ाई से, न शक्ति से, न कॉन्टैक्ट से, न रोने से, न नाचने से, किससे होगा? सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारी सफलता की कुंजी क्या है? हमारी सफलता की कुंजी है पवित्र आत्मा के साथ चलो, पवित्र आत्मा के साथ चलो। वॉक विथ द होली स्पिरिट। उसके पीछे मत चलो, उसके आगे मत चलो, पवित्र आत्मा के साथ चलो। वॉक विथ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ चलो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स गो टू जॉन, यूहन्ना में जाएंगे। यूहन्ना 16, नहीं यूहन्ना 14, 18, 14 उसका 18। हम सब सफल होना चाहते हैं, हम सब। इनफैक्ट जब हम हारते हैं हमें क्या होता है? गुस्सा आता है, क्योंकि हम हारने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम सफल होने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए जब हारते हैं हमको अच्छा नहीं लगता। When we lose, we don't like it. यीशु मसीह इसीलिए अपना लहू नहीं बनाया बहाया। यीशु मसीह नर्क में गया, अपना लहू बहाया, वो मारा गया, तीसरे दिन इसीलिए जी उठा ताकि आप विजय हो। He didn't do all of that to make you a failure. वो इतना बड़ा दाम यीशु मसीह ने इसीलिए नहीं चुकाया ताकि हम हारे हैं। इतना बड़ा दाम यीशु मसीह ने इसीलिए चुकाया ताकि जो भी हम करें हम क्या हो? सफल हो। कोई बोलेगा मैं इतना हार गया हूं, मैं हर दिन हारता हूं, इसीलिए क्योंकि पवित्र आत्मा की संगति नहीं है। अगर पवित्र आत्मा की संगति में आप चलें, आप हार नहीं सकते। यू कैनॉट लूज। कितना भी छोटा आपका पद है या कितना भी बड़ा आपका पोजीशन है, कितना भी आपका पगार हो, अगर पवित्र आत्मा के साथ आप चलना शुरू करें आप सफल हो जाएंगे। नो मैटर वेयर यू आर, कहां पर भी आप हो। ओके, नाउ यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हैं, चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और यीशु मसीह बोल रहा है, सुनो मेरा जाने का समय आ गया, मैं वापस जा रहा हूं। और चेले बहुत दुखी हो गए, शोकित हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, सुनो मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं और तुम्हें लगता है कि तुम अभी अकेले रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। जब यीशु मसीह ने कहा कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, मैं चले जाऊंगा, तो चेले बहुत उदास हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें सांत्वना दिया और कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ओके, वर्स 16, कैसे वो हमारे पास आता है? और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहें। Now this is extremely important. अगर यीशु मसीह ने कहा कि वो हमें सहायक देगा, मतलब हमें सहायता की जरूरत है। अगर हमें सहायता की जरूरत नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने होशियार हैं, इतने हैंडसम हैं, इतने खूबसूरत हैं कि आपको कोई सहायक की जरूरत नहीं है, तो यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं आपको एक सहायक दूंगा? That means you need help. आपको सहायता की जरूरत है, यू नीड हेल्प। उसके बगैर आप वचन पढ़ नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा के बगैर फरसियों ने पूरा वचन रट लिया। कौन से पेज नंबर में, कौन से पैराग्राफ में वचन है वो जानते हैं। यीशु मसीह आया पहचाना नहीं, जिसके बारे में लिखा है। पवित्र आत्मा के बगैर प्रार्थना अधूरा है, प्रार्थना वेस्ट है। पवित्र आत्मा के बगैर वचन पढ़ना इतना सूखा है। आपको सहायता की जरूरत है। यीशु मसीह ने बोला उनको, सुनो मैं जा रहा हूं लेकिन तुम अनाथ नहीं हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें सहायता की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा। मतलब आप अनाथ नहीं हैं।
एक विश्वासी बोलता है, मैं कितना अकेला हूं. आप अकेले हैं? How can you say that? परमेश्वर का सहायक आपके अंदर है, आप अकेले कैसे हो सकते हैं? आप कैसे अकेले हो सकते हैं? आप इसीलिए अकेले हैं क्योंकि आप वचन जानते नहीं हैं. आप इसीलिए अकेले हैं क्योंकि आप वचन जानते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते. क्योंकि अगर आप सच में विश्वास करते तो आप जानते कि आपका सहायक आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है. यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, तुम्हें सहायता की जरूरत है. तुम अपनी सेवकाई को अकेला नहीं चला सकते हैं. तुम पति हो लेकिन तुम अपने घर को अकेला नहीं चला सकते हैं. तुम पढ़ रहे हो, कॉलेज में हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर नहीं कर सकते हो. तुम कितना भी होशियार हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन वो पैसा घर को एक साथ रख नहीं सकता. तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है. तो जो कुछ भी आप करें, आप हमेशा इस चीज को समझिए कि मुझे सहायता की जरूरत है. आई नीड हेल्प. वचन पढ़ाने में मुझे उसकी सहायता है, गाना गाने में पवित्र आत्मा की सहायता है. जहां पर भी आप हैं, आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है. यू नीड हिज हेल्प. मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और, मतलब मेरे जैसा, मैं जब धरती में था मैंने तुम्हारी सहायता की, लेकिन मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन मैं एक और सहायक भेजूंगा. सहायक क्या करता है? सहायता. सहायक का काम क्या होता है? सहायता. वो क्यों भेजा गया है, उसका मकसद क्या है? आपकी सहायता करना. अगर आपका काम है इस चीज को उठाना, ये आपका काम है. यीशु मसीह ने कहा, सुनो, तुम अकेला नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा कि वो तुम्हारे साथ मिलकर इस चीज को उठाए. आपका एक सहायक है, परमेश्वर आपका सहायक है. थिंक अबाउट इट. You have a helper. आपके पास एक सहायक है. You have a helper. आपके पास एक सहायक है. You have a helper. और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा. कितनी बार हम इस चीज को भूल जाते हैं. ऑफिस में किसी ने कुछ काम दिया और हमें लगता है हम कैसा करेंगे. नहीं, शांत हो जाइए. आपका एक सहायक है. आपका एक सहायक है. कुछ भी हो जाएगा अचानक और हम बोलते हैं हम ये कैसा करेंगे. आप कर सकते हैं क्योंकि आपका सहायक है. ये वचन को जानना समझना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा एक सहायक है. आप मेरे साथ बोलिए, मेरा एक सहायक है. सुनिए आर्क, आप अकेले नहीं हैं. यू आर नॉट अलोन. आपका एक सहायक है. यीशु मसीह ने कहा कि तुम अनाथ नहीं हो. अगर तुम पत्नी हो, आप जानते हैं सबसे अच्छी पत्नी कौन है? पवित्र आत्मा. अगर आप पति हैं, सबसे अच्छा पति कौन है? पवित्र आत्मा. अगर आप बिजनेसमैन हैं, सबसे अच्छा बिजनेसमैन कौन है? पवित्र आत्मा. और वो कहां पे रहता है? आपके अंदर. क्यों वो आपको दिया गया है? ताकि वो जो बिजनेसमैन है आपको सिखाए कि बिजनेस कैसा. मैं पति हूं लेकिन सबसे अच्छा पति पवित्र आत्मा है. वो मुझे बताएगा, सुनो पति ऐसा चलते हैं. हालेलुया. अगर मैं बेटा हूं तो वो सबसे अच्छा बेटा पवित्र आत्मा है. मतलब आप जो कुछ भी हैं, सबसे अच्छा पवित्र आत्मा है. और वो कहां पे रहता है? आपके. सो यू बिकम द बेस्ट हस्बैंड. सबसे उत्तम पति आप बन जाएंगे. जस्ट थिंक अबाउट इट. उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा नहीं. आपकी पत्नी आपके विषय में बोलेगा, मेरा पति. ग्लोरी टू गॉड. और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक. सहायक का काम होता है सहायता करना. मतलब उसको सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वो आपकी सहायता करेगा. मतलब जब आप उसे सहायता करने का मौका नहीं देते हैं, उसका काम क्या हो गया? अधूरा. आपको सहायता की जरूरत है. मुझे सहायता की जरूरत है. अगर नहीं होता तो यीशु मसीह हमें क्यों देते सहाय. वी नीड हेल्प. वी नीड हेल्प. और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक. मैं था मेरे जैसा एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. नेक्स्ट वर्स. अर्थात
सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में, वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आप जानते हैं ये यीशु मसीह मरने के पहले यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह बोल रहा है कि सुनो, पवित्र आत्मा आज तुम्हारे साथ है, लेकिन जब मैं जी उठूंगा और यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, पवित्र आत्मा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। आज अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। किसी ने कहा चलो पवित्र आत्मा, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो आपके अंदर क्यों है? आपकी सहायता करने के लिए। ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू। काम के विषय में वो आपकी सहायता करना चाहते हैं, खाने के विषय में वो आपकी सहायता करना चाहते हैं, कुछ कुछ चीज वो आपको बताएगा कि आप इसे मत खाइए। हुआ है किसी के साथ? सब खाइए। कुछ कुछ चीज वो आपको बताएगा कि ये चीज मत खाइए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जस्ट उसके साथ चलना। कुछ कुछ चीज उसने मुझसे कहा है कि मत खाओ, जस्ट डोंट ईट इट, ही विल टेल यू। वो है हमारा क्या है? रिश्ता। वो है रिश्ता। एक हो गए हैं हम। हालेलुया। ओके, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हुआ। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है। हर सीरीज में मैं ये बोलता हूं, क्या करें, सब कुछ वचन से है। वचन से जो कुछ आता है सब कुछ महत्वपूर्ण है। आप सुनिए, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप जानते हैं क्या हुआ? ध्यान से देखिए, आप शरीर नहीं है, आप शरीर में रहते हैं, आप एक आत्मा हैं। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ जुड़ गया, एक हो गया, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ गया और आपका नया जन्म हुआ। इसीलिए वचन में लिखा है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि वो और आपकी आत्मा जुड़ गई है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये जानना जरूरी है, ठीक है। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार के लिए पवित्र आत्मा नहीं है, विश्वासियों के लिए है। वो तुम्हें, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप अकेले नहीं हैं, शायद इस कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर। बी कॉन्शियस कि आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, वो आप में। आप जब यहां पर बैठे हैं, वो आपके साथ बैठा है। एक ऐसा व्यक्ति आपके अंदर है जो सब कुछ जानता है। एक ऐसा व्यक्ति आपके अंदर है जो सर्वशक्तिमान है। थिंक अबाउट इट। कुछ वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए कुछ वचनों को हम देखें। पहला कुरिन्थी 3:16, पवित्र आत्मा आप में रहता है। थिंक अबाउट इट। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मंदिर क्या है? क्या ये बिल्डिंग मंदिर है? नहीं। क्या ये रूम जो है ये मंदिर है? नहीं। मंदिर क्या है? आपका शरीर। आपका शरीर मंदिर है। दिस बॉडी, ये जो शरीर आपका है, ये शरीर आपका मंदिर है। और इस मंदिर में वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि
तुम परमेश्वर का मंदिर हो, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, हम मंदिर में जाते नहीं हैं, आप मंदिर हैं, आप परमेश्वर का मंदिर हैं, थिंक अबाउट इट, आप परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है. नेक्स्ट वर्स, पवित्र आत्मा आप में रहता है, पवित्र आत्मा आप में रहता है और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो. आप जानते हैं इस वचन में क्या लिखा है? ये वचन में लिखा है कि ये जो शरीर है ये आपका नहीं है. दिस बॉडी इज नॉट योर्स. ये जो शरीर है वो यीशु मसीह का है और अगर कोई भी व्यक्ति इस शरीर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा. ये नए नियम में है, पुराने नियम में नहीं है. इसलिए हम अपने शरीर को क्या रखें? इस मंदिर को अच्छे से रखें. इस मंदिर से, इस आंखों से हम क्या देखते हैं, इस हाथ से हम क्या करते हैं, इस पैर से हम कहां जाते हैं, इस मंदिर के मुंह से हम क्या बोलते हैं, ये आपका नहीं है. ये जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है और यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा या इसका गलत उपयोग करेगा या गलत चीजों में इस शरीर को डालेगा, वो व्यक्ति कोई भी हो, परमेश्वर उसके शरीर को क्या कर देगा? नाश कर देगा. ये वचन में लिखा है, ये आपका नहीं. अगर मेरा होता तो मैं कुछ भी चाहिए तो कर सकता था इससे, लेकिन ये मेरा नहीं है. ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर यीशु का है. इसीलिए अपने शरीरों को संभालिए, आमीन. अपने आंखों को संभालिए, अपने पैरों को संभालिए. ये आपका नहीं है, ये यीशु का है. दिस बिलोंग्स टू जीसस. उसने अपना लहू दे करके खरीदा है और उसने कहा अपने शरीरों को संभालो, डोंट प्ले विथ योर बॉडीज, आमीन. वापस पढ़ेंगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो. दिस इज योर टेम्पल. हम मंदिर में जाते नहीं हैं, ये मंदिर है. हालेलुया, आप मंदिर हैं. जरा सोच के देखिए. ओके, फर्स्ट जॉन 4:4, पहला योहन्ना 4 उसका 4, पहला योहन्ना 4 उसका 4, पहला योहन्ना 4 उसका 4. सफलता की कुंजी पवित्र आत्मा का संगति, सफलता की कुंजी पवित्र आत्मा की संगति. की टू सक्सेस, फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के साथ चलिए. ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है या सिर्फ कॉयर लीडर्स के लिए नहीं है. पवित्र आत्मा सिर्फ उनके पास नहीं है. अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जितना पवित्र आत्मा मुझ में है उतना ही पवित्र आत्मा आपने. रिश्ता हो सकता है, एक पति पत्नी के बीच में रिश्ता है, पति पत्नी है, एक ही घर में है लेकिन बात नहीं करते. रिश्ता हो सकता है लेकिन संगति नहीं है, तो रिश्ते का कोई मजा नहीं है. पवित्र आत्मा है, रिश्ता है लेकिन बातचीत नहीं है, कोई भी संगति नहीं है. दोस्त लोग हैं लेकिन फोन नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं लेकिन दोस्त हैं. रिश्ता होना एक बात है, संगति होना अलग बात है. एक व्यक्ति, आप सोचिए आज जब आप यहां से जाएंगे, आप सोचिए कि एक व्यक्ति आपके अंदर रहता है. जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक व्यक्ति आपके अंदर रहता है. अ मैन लिव्स ऑन यू. कोई ध्यान से सुनिए, कोई एक विश्वासी जो है वो एक पोस्टर के सामने रह के गाना गा रहा था. किसी मूवी स्टार का, हीरो हीरोइन का था, तो वो गाना गा रहा था, कुछ तो गाना गा रहा था. उसको पता नहीं कि पास्टर वहां से आ रहा है, तो वो गाना गा रहा है, वो बहुत अच्छा गाना गा रहा है. उनसे मिल के ऐसा लगा, वो गाना, यही गाना था, यही गाना था जो मैं गा रहा हूँ. तुमसे मिल के, वो ऐसा देख रहा है, हीरोइन हीरो को देख रहा है, उसे पता नहीं पास्टर आ रहा है वहां से. तो पास्टर आ रहा है, मैं नहीं था, ठीक है. तो हम आए, वो पास्टर वहां पर आया और पास्टर ने आके उसके सामने खड़ा हो गया. तब
तब उस व्यक्ति वो गा रहा है और जब उसने देखा पास्टर है, उसने गाने को देखिए कैसा घुमाया। तुमसे मिल के ऐसा लगा यीशु तुमसे मिल। वो पास्टर को देखते हैं और गाने में बोलते हैं यीशु अचानक। तो देखिए सवाल ये है कि हम पास्टर से ज्यादा डरते हैं, एक व्यक्ति आपके अंदर रहता है, अ मैन लिव्स ऑन द इनसाइड ऑफ यू। हु इज अ पास्टर? कौन है पास्टर? हु इज अ पास्टर? कौन है? हु इज अ पास्टर? एक वर्शिप लीडर, हु इज अ वर्शिप लीडर? क्या पवित्र आत्मा के सामने कोई भी तुलना है किसी का? किसी का कोई तुलना नहीं है। वो व्यक्ति जब वो चीज कर रहा था, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, लेकिन पास्टर को उसने देखा। आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो विश्वास नहीं करता कि एक सहायक उसमें रहता है। वो पास्टर से डर गया। कोई बोलते हैं आने से पहले बता के आना, आप जानते हैं क्यों बोलते हैं। ओके हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है क्या है? बड़ा है। जितने दुष्ट ताकतें हैं संसार में, जितने जादू टोना है संसार में, जितने हथियार है संसार में, उन सब को अगर आप मिला लें, वो सब जितने भी हैं पवित्र आत्मा उनसे बढ़कर है, और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। जो मुझ में है वो बड़ा है। जब आप एक बीमारी को देखेंगे आप बोलेंगे नहीं नहीं, वो बीमारी से बड़ा व्यक्ति मुझ में रहता है। जब एक परेशानी आपके घर में आ जाए आप बोलेंगे नहीं, वो परेशानी से बड़ा पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा मुझ में रहता है। बी कॉन्शियस, आप सचेत रहिए, आप जागरूक रहिए कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया साधारण गया, आप बहुमूल्य हैं। यू आर प्रेशियस, यू आर प्रेशियस। परमेश्वर आप में रहता है, आप साधारण हैं? आई डोंट थिंक सो। आप साधारण नहीं है, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। परमेश्वर आप में रहता है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं, उपवास के द्वारा नहीं, तुमने क्यों जय पाया है? क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है, और क्योंकि वो तुम में है तुम विजयी हो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में है तुम विजयी हो। यू आर विक्टोरियस, यू आर अ विनर। वचन में ये नहीं लिखा है कि तुम प्रार्थना करके विजय बनोगे। वचन में ये नहीं लिखा है कि तुम वचन पढ़कर विजय बनोगे। वचन में लिखा है क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में है तुम विजय हो। और वचन हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि हम विजय कितना शक्तिशाली है। आप, यू आर सो पावरफुल। जो बीमारी आपके पैर में है, अगर आपको पता चल जाए कि आपके अंदर कौन है, वो आखिरी दिन होगा उस बीमारी का। Think about it. क्या आप जानते हैं जो आपका शरीर जो कमजोर है, अगर आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन है, कमजोरी खत्म, इट्स गॉन। क्या आप जानते हैं आप कौन है? डू यू नो हु यू आर? ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये वास्तविकता है। उसने ये नहीं कहा कि तुम स्वर्ग में जाओगे और 500 साल के बाद वो तुम्हारे अंदर आएगा, नहीं। अभी का ये आईना है, वचन आईना है। पहला योहन्ना 4:4 आपको बता रहा है कि आप कौन हैं और आपके अंदर कौन रहता है। तो जानो कि तुम कौन हो और जानो कि तुम्हारे अंदर कौन है, और वैसे अपने भाषा को बदलो। चेंज योर लैंग्वेज। अगर परमेश्वर, आप जानते हैं जिनका पहचान होता है, जो बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, वो कैसा बात करते हैं, उनका बोली को आप देखिए। आपके अंदर कौन है? आपके अंदर कौन है? गॉड लिव्स इन यू। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा मत चलिए 14 माला है, ठीक है?
उसका बोलने का मतलब है कि घमंडी नहीं होना है क्योंकि आपने उसे खरीदा नहीं है। उसका मतलब है कि आप ये जानकर आप शैतान का सामना करें और प्रेम में चलें। आमीन। क्योंकि आपकी मेहनत से आपके पास नहीं आया, यीशु के कारण ये आपके पास आया है। ओके, वापस पढ़ेंगे। ए बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। पाने वाले नहीं है, तुमने उन पर जय पाई है। वो शैतान हो या कोई भी अधिकारी हो, बीमारी हो, गरीबी हो, श्राप हो, तुमने उन पर जय पाई है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो तुम में है वो उससे, वो उस बीमारी से, उस शैतान से, उस काला जादू से, उस किसी भी प्रकार का जादू, जादू टोना, वो दुष्ट आत्माएं, हथियार, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो सब जो संसार में है उससे क्या है? बड़ा है। क्या आप ये चीज पर विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इट? ओके, अभी कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं तीन वचन आपको देना चाहता हूं जो आप हर दिन बोलेंगे। ओके, थ्री वर्सेस, तीन वचन मैं आपको देना चाहता हूं जो आप हर दिन बोलने वाले हैं। हर दिन आप जहां पर भी हो, आप स्टूडेंट हो या कॉलेज में हो या पढ़ रहे हो या फिर आप बिजनेस में हो, कहां पर भी आप हो, ये तीन वचन आपको हर दिन बोलना है। सबसे पहले लूका, फिर हम आगे जाएंगे। लूका 4 उसका 18-19, लूका 4 उसका 18-19, ये प्रभु ने मुझसे कहा है और मैं आपको बोल रहा हूं, ये तीन वचन आपको हर दिन बोलना है। रट लीजिए इससे और बोलिए। शक्ति कहां पर है? आपके मुंह में। यू हैव टू स्पीक द वर्ड, वचन को आपको बोलना है। ओके, क्या बोलना है? कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है इसीलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। वर्स 19, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। एवरी डे, हर दिन, दिन इतने सालों से, फ्रॉम सो मेनी इयर्स, ये तीन वचनों को मैं हर दिन बोल रहा हूं। हर दिन, एवरी डे, जीवन और मृत्यु आपके मुंह में है। तो ये एक वचन आपको बोलना है। दूसरा यशया, यशया 11 उसका 2, यशया 11 उसका 2, एवरी डे से इट, एवरी डे। और यहोवा की आत्मा मुझ में और मुझ पर है, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, यहोवा की भय की आत्मा मुझ पर है और मुझ पर ठहरी हुई है। अगर पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है 7 प्रकार का प्रकटीकरण पवित्र आत्मा का, वो इस वचन में से लिया गया है। ओके, तो आपको ये अंगीकार करना है हर दिन। आपके आप दीवार में लगा दीजिए या दरवाजे में लगा दीजिए, कहां पर लगा दीजिए और हर दिन उसे बोले, यहोवा की आत्मा मुझ में है, बुद्धि की आत्मा मुझ में है, समझ की आत्मा मुझ में है, युक्ति की आत्मा मुझ में है, पराक्रम की आत्मा मुझ में है, ज्ञान की आत्मा मुझ में है, यहोवा के भय की आत्मा मुझ में है। Say it every day. Okay. Number 3, प्रेरितों का काम 10 उसका 38, प्रेरितों का काम 10 उसका 38, आपको ये चीज व्यक्तिगत करना है और बोलना है। देखिए, हम ऐसा बोलेंगे, जब आप इसको बोलेंगे आपको ऐसा बोलना है कि परमेश्वर ने किस रीति से मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है और मैं भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है।
क्योंकि अगर कोई बोलेगा अरे वो तो यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा जो काम मैंने किए हैं वो तुम भी करोगे, उससे बढ़कर काम तुम करोगे। सो ये वचन को आप लीजिए और उसे बोलना शुरू कीजिए। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है। हर दिन आप बोलिए, अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में आप बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है, कि कंपनी में जो बीमार है उनको मेरे द्वारा प्रभु क्या देता है, चंगाई देता है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा, किस रीति से मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है, मैं भलाई करता हूँ और सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ हैं। ये तीन वचन आपको हर दिन बोलना है, एवरी डे। आप जानते हैं अगर आप कार में बैठे हैं, अगर किसी के पास, अगर आप बाइक में हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप कार में हैं या बाइक में हैं, जो स्टीयरिंग होता है, अगर आपको ये साइड जाना है आपको सबसे पहले क्या घुमाना है, स्टीयरिंग को घुमाना है। अगर आप स्टीयरिंग या फिर वो हैंडल नहीं घुमाएंगे आप वो साइड नहीं जाएंगे, आप वहीं पर जाएंगे जहां पर आपका स्टीयरिंग जाएगा। आप जानते हैं उसका मतलब क्या है, आप वहीं पर जाएंगे जहां पर आपका मुंह जाएगा। अगर आपको किधर जाना है सबसे पहले आपके मुंह को जाना है, अगर आपका मुंह वहां पर नहीं जाएगा आप वहां पे कभी नहीं जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह यहां पर खड़ा है और यीशु मसीह बोलता है सुनो मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूं और तीसरा दिन, क्यों बोला यीशु ने, वो तो अभी भी जिंदा है, वो जानता है कि अगर मैं बोलूंगा नहीं तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि आप वहीं पर जाएंगे जहां पर आपका मुंह जाएगा। इन चीजों को बोलना शुरू करें, आप वहीं पर, आप वो जगह पर कभी नहीं जाएंगे अगर आपका मुंह वहां पर नहीं जाएगा, सब कुछ आपके मुंह में है, एवरीथिंग। तो इन वचनों को लीजिए और बोलिए कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, बुद्धि की आत्मा मुझ में है, समझ की आत्मा मुझ में है, युक्ति की आत्मा मुझ में है, सामर्थ की आत्मा मुझ में है, और आप बोलना शुरू कीजिए। और आप देखिए जैसा आप बोलना शुरू करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आज शायद आप यहां पर हैं लेकिन कोई लोग बोलते हैं कि मुझे ये जगह पसंद नहीं है, तो स्टीयरिंग घुमाओ। अगर आपको ये जगह पसंद नहीं है तो स्टीयरिंग घुमाओ। स्टीयरिंग क्या है, आपका मुंह। जब तक आपका शब्द इस जगह से हटता नहीं आप कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। सो अपने शब्दों को बदलिए, चेंज योर वर्ड्स, जितना हो सके आप वचन का अंगीकार कीजिए, मैं जगत का ज्योति हूं, मैं जगत का ज्योति हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं पृथ्वी का नमक हूं, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है, मैं सामर्थ से भरा हुआ हूं, आई एम फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ पावर, सामर्थ से भरा हुआ हूं, आई एम फुल ऑफ पावर, सामर्थ से भरा हुआ हूं, मैं वचन से भरा हुआ हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, जो काम में मैं हाथ डालूंगा मैं हार नहीं सकता, आई कैन नॉट फेल। क्या आप बोल सकते हैं, कैन यू से दैट? नहीं, इतना बड़ा बड़ा हम कैसा बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? अगर यीशु मसीह ने बोला है तो आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? यू मस्ट से इट, कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है, मैं अभिषिक्त हूं, हालेलुया, मैं भलाई करता हूं बुराई नहीं करता हूं, सबको जो शैतान के सताए हुए हैं, कितनों को, सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरता हूं। एक समय था शैतान आपके पीछे भागता था, लेकिन अभी ये चीज को आप जानते हैं, आपकी उपस्थिति से शैतान कांपने लगेगा। कोई आया है इस कमरे में, कोई आया है, मतलब आप और नजदीक जाएंगे उसका हिलना बढ़ेगा और थोड़ा, क्योंकि आप जानते हैं आप कौन है, यू नो हु यू आर। एक समय था शैतान भगा रहा है, क्योंकि हम जानते नहीं है वचन को, हम जानते नहीं कि हम में कौन है, हम जानते नहीं। अगर हम जानते हैं कि हम में कौन है, एवरीथिंग इज ओवर। ओके, लेट्स गो बैक टू सेकंड कुरिन्थियंस। 6 पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से आप इस चीज को सुनिए। पवित्र आत्मा की संगति, हो सकता है आप छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, आपके स्कूल में प्रभु आपको बढ़ाएगा,
He will lift you up. हो सकता है आप पत्नी हैं, walk with the Holy Spirit. 2 Corinthians 13:14. दूसरा कुरिन्थी 13 उसका 14. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के बगैर अनुग्रह को आप समझ नहीं सकते हैं. पवित्र आत्मा के बगैर परमेश्वर के प्रेम को आप समझ नहीं सकते हैं. पवित्र आत्मा की सौभाग्यता तुम सब के साथ होती रहे. तो अभी अगला चीज जो मैं सिखाने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सफल होना चाहते हैं, जो भी क्षेत्र में आप हैं, सफलता की कुंजी है पवित्र आत्मा की सहभागिता. यीशु मसीह स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और उसकी सहभागिता में अगर आप चलें, उसकी दोस्ती में आप चलें, उसकी संगति में उसके साथ आप चलें, तो आप सफल होना ही है, आप हार नहीं सकते. अभी पवित्र आत्मा की संगति का मतलब क्या है? What does it mean? 6 चीज मैं आपको देना चाहता हूं. 6 things. पवित्र आत्मा की संगति का मतलब क्या है? What does it mean? Number one, just put that slide. Yeah, number one. इस चीज को ध्यान से देखिए. नंबर 1, पवित्र आत्मा की संगति का मतलब है, अगर मुझे किसके साथ संगति करना है तो मुझे जानना है कि वो व्यक्ति कौन है. अगर मैं उसे जानता नहीं तो मैं उसे संगति नहीं कर सकता. तो अगर पवित्र आत्मा के साथ मुझे दोस्ती करना है तो मुझे जानना है कि पवित्र आत्मा कौन है. अगर मुझे पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते को बढ़ाना है तो मुझे जानना है कि पवित्र आत्मा कौन है. सबसे पहला चीज, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. ही इज अ पर्सन. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आपके अंदर रहता है, वो एक व्यक्ति है. और दूसरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर है. होली स्पिरिट इज गॉड. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है. ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा आग है. आग के साथ आप संगति कर सकते हैं? आग से आप पूछ रहे हैं कैसा था आज का दिन? ज्यादा मत पूछिए, जल जाएंगे थोड़ा. आग के साथ आप संगति कर सकते हैं क्या? आप इस पोडियम के साथ संगति कर सकते हैं? देखिए, बहुत लोग जब पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि पवित्र आत्मा पानी है. पानी के साथ आप संगति कैसे करेंगे? बहुत लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा कबूतर है. बहुत लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा जो है वो तेल है. तेल, तेल के साथ आप संगति कैसे करेंगे? तेल की कोई भावनाएं नहीं है, तेल का कोई मन नहीं होता है. तेल हंस रहा है कि रो रहा है पता नहीं चलता है. तेल के साथ आप संगति कैसे करेंगे? हाउ विल यू फेलोशिप विद ऑयल? ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा हवा नहीं है. He is not wind. हवा के साथ आप संगति नहीं कर सकते हैं. पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है. पवित्र आत्मा तेल नहीं है. पवित्र आत्मा दाक्षस नहीं है. पवित्र आत्मा आग नहीं है. He is not fire. पवित्र आत्मा शक्ति नहीं है. पवित्र आत्मा प्रेरणा नहीं है, और या फिर प्रभाव नहीं है. पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है. जैसे किसने कहा कि पवित्र आत्मा पानी है? थोड़ा पानी आपके पास है, थोड़ा पानी इनके पास है. आपके पास 5 लीटर है, इनके पास 10 लीटर है. पवित्र आत्मा पानी नहीं है. पवित्र आत्मा पानी नहीं है. पवित्र आत्मा इंसान है. मेरे अंदर 50% पवित्र आत्मा है, इनके अंदर 50% नहीं. पवित्र आत्मा एक इंसान है, और अगर इंसान आपके अंदर है तो पूरा इंसान आपके अंदर. कोई बोलते हैं, सुनो तुम्हारे पास पूरा पवित्र आत्मा नहीं है. आप जानते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पवित्र आत्मा को तेल समझते हैं. 5 लीटर है आपके पास, बाकी 15 लीटर मिलना है. अभी 2 लीटर इनके पास है, बाकी 10 लीटर जो है किसी और के पास है. तो हम जब साथ में आते हैं तब लीटर पूरा हो जाता है. ऐसा नहीं है पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा तेल नहीं है. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और अगर वो व्यक्ति जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, वो 100% उसके अंदर आता है.
पवित्र आत्मा तेल नहीं है, पवित्र आत्मा आमदी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजा हूं, तो बहुत लोग दरवाजा लेके उसकी आराधना करना शुरू किया। उसका बोलने का मतलब वो नहीं है। उसने कहा कि मैं दरवाजा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि सब दरवाजा यीशु है। उसके बोलने का मतलब क्या है? उसको बोलने का मतलब है कि पिता के पास पहुंचने के लिए कितने दरवाजे हैं। वो कुछ चीजों को बता रहा था, वो ये नहीं बोल रहा था कि दरवाजा मैं हूं ताकि हम दरवाजा लेकर उसके साथ घूमें। देखिए गलत, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई आया, वो उसके बारे में बता रहा है कि कबूतर जैसा पवित्र आत्मा सभ्य है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, पवित्र आत्मा आग के समान है। मतलब पवित्र आत्मा अगर जहां पर आ जाए वहां पर बुराई को जला देगा। वो है उसका मतलब। पवित्र आत्मा आग नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आग है तो आप कैसे उसके साथ संगति करेंगे? हाउ विल यू फेलोशिप? अगर पवित्र आत्मा पानी है तो उसके साथ आप संगति कैसा करेंगे? अगर पवित्र आत्मा कबूतर है तो उसके साथ आप संगति कैसा करेंगे? अगर पवित्र आत्मा कोई चीज है तो ये चीज के साथ आप संगति कैसा करेंगे? क्या बात करेंगे आप इससे? व्हाट विल यू टॉक? इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज ये जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन। उसके पास एक मन है, उसके पास भावनाएं हैं, उसके पास अपनी इच्छा है। देखिए वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। अगर पवित्र आत्मा को दुखी किया जा सकता है, मतलब पवित्र आत्मा को खुश भी किया जा सकता है। क्या वचन में लिखा है आग को दुखी मत करो? क्या वचन में लिखा है पानी को दुखी मत करो? क्या वचन में लिखा है कि इस पोडियम को दुखी मत करो? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके पास मन है, उसके पास भावनाएं हैं, वो खुश होता है। आप उसको उदास कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर का गलत उपयोग करते हैं आप उसको उदास कर देते हैं। यू मेक हिम, यू ग्रीव हिम, आप उसे उदास कर देते हैं, यू ग्रीव हिम। ओके, नंबर वन, पवित्र आत्मा संगति करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा आग नहीं है, सामर्थ नहीं है, प्रेरणा नहीं है, तेल नहीं है, चीज नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है फर्स्ट, जिसके पास मन है, जिसके पास भावनाएं हैं, जिसके पास इच्छा है। और दूसरा, पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। जितना परमेश्वर पिता है, जितना परमेश्वर यीशु मसीह है, उतना ही परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, होली स्पिरिट इज गॉड। अभी ध्यान से सुनिए, हमारा एक परमेश्वर है लेकिन तीन व्यक्तित्व, एक परमेश्वर। हमारा तीन परमेश्वर नहीं है या 50 परमेश्वर नहीं है, हमारा कितने परमेश्वर हैं? एक। एक परमेश्वर लेकिन तीन व्यक्तित्व, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये जानना बहुत जरूरी है। एक परमेश्वर लेकिन तीन व्यक्तित्व, और वो तीसरा व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जब बपतिस्मा दो, पिता के नाम से दो, पुत्र के नाम से दो और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्योंकि पवित्र आत्मा भी उतना ही परमेश्वर है जितना पिता परमेश्वर है और जितना पुत्र परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सब जगह पर है, सिर्फ यहां पर नहीं, वो पूरी दुनिया में है। वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो चेंबूर में है, वो वाशी में है। मतलब अगर आपका पति ऑस्ट्रेलिया में है, आप यहां से वचन को आजाद कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में वो वचन उसको छुएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां पे है। इतना शक्तिशाली है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सब कुछ चीजों को जानता है क्योंकि वो परमेश्वर है। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ संगति करने से पहले ये चीज को हमें जानना है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है, ही इज गॉड। ओके, नंबर टू, दूसरा, बी कॉन्शियस ऑफ हिज प्रेजेंस।
उसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक रहिए, उसकी उपस्थिति के प्रति सचेत रहिए। ये हमेशा आपके मन में ये चीज स्थापित हो जाना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है हमेशा। अगर पास्टर आपके साथ है हमेशा, आप सोचिए मैं रहूंगा नहीं साथ में, लेकिन अगर आज से लेके आप जहां पर भी हैं मैं आपके साथ हूं, तो आपका बोली, भले ही आप थोड़ा अच्छा बोलते हैं लेकिन मैं साथ में हूं, तो आप अपने बोली को थोड़ा समझिए। पास्टर साथ में, अभी नहीं, 5 बजे के बाद फोन करो, क्योंकि पास्टर आपके साथ है। और क्योंकि पास्टर आपके साथ है, आप हमेशा सचेत हैं और जागरूक है कि सुनो घर में कोई है, देयर इज समबडी इन द हाउस, ये प्रचारक मेरे साथ हैं, ये पास्टर मेरे साथ हैं, और आप हमेशा जागरूक हैं। वैसे ही कितना अधिक है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आपके साथ एक हो गया है, उसकी उपस्थिति के विषय में सचेत रहिए, बी अलर्ट। अगर आपको उसके साथ संगति करना है तो आपको और मुझे उसकी उपस्थिति के प्रति सचेत रहना है। वी मस्ट बी अवेयर कि कोई है। हम में से बहुत विश्वासी कभी कभी, पूरी दुनिया में विश्वासी ऐसा उनको लगता है कि उनके साथ कोई नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा उनके साथ है। सो बी कॉन्शियस, हमेशा आप सचेत रहिए, हमेशा आप जागरूक रहिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, सचेत रहिए। कोई बोलता है मुझे महसूस नहीं होता है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं पवित्र आत्मा को छू नहीं सकता कि वो मेरे साथ है, मैं पवित्र आत्मा को सूंघ नहीं सकता कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, नहीं, दो बातें हो जाएंगी, या तो पवित्र आत्मा आपके साथ है क्योंकि वचन में लिखा है, या तो पवित्र आत्मा आपके साथ है क्योंकि आप उसे छू सकते हैं। हम पवित्र आत्मा को छू नहीं सकते, हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते, हम पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम में है, मतलब पवित्र आत्मा तुम में है, और मैं इस बात का सचेत, मैं जागरूक हूं कि पवित्र आत्मा मुझ में है। जब मैं ऑफिस जाता हूं मैं जागरूक हूं, जब मैं घर में अकेले हूं तब मैं जागरूक हूं, जब मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूं मैं जागरूक हूं, भले ही कोई भी जागरूक नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ है, मैं जागरूक हूं, मैं सचेत हूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। बी केयरफुल वेयर यू गो, पवित्र आत्मा आपके साथ है, कोई नहीं है घर में, क्या चीज को हम देखते हैं, बी केयरफुल, Be careful. क्या चीज को हम सुनते हैं, क्या, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। कोई बोलता है मैं विश्वास नहीं करता वो मेरे साथ है, विश्वास करे या नहीं करे वो है, Amen. वो है आपका, अगर आप विश्वासी हैं वो है, भले आप विश्वास करें या ना करें, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो आपके साथ आपके अंदर है। सो बी कॉन्शियस, सचेत रहिए कि वो मेरे साथ हैं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। हर सुबह जब आप उठते हैं आप ऐसा करें, आप बोलिए पवित्र आत्मा आज का दिन मैं अपने आप को लेता हूं और आपको सौंप देता हूं, मैं अपने आप को लेता हूं, ये मैं हूं प्रभु, ये मैं हूं, मैं अपने आप को लेता हूं और मैं आपके हाथ में सौंप देता हूं, आई यील्ड माय सेल्फ टू, मैं अपने आप को, बी कॉन्शियस ऑफ हिज प्रेजेंस, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। कभी कभी आपको लगता है कि वो नहीं है, लेकिन वो है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं, हम कैसा चलते हैं, विश्वास से चलते हैं, हम भावनाओं से नहीं चलते। जिनका 25 साल विवाह हुआ उनसे पूछिए क्या आपको लगता है आप विवाहित हैं, नहीं, हम भावनाओं से नहीं जीते हैं, हम निर्णय करते हैं, इट्स फेथ, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे अंदर है और हम जागरूक हैं कि वो हमारे अंदर है। इसीलिए हम जब आप बिजनेस करते हैं आप जागरूक हैं कि वो आपके साथ है, जब आप अकेले में किसी के साथ बात कर रहे हैं आप जागरूक हैं कि वो आपके साथ है। आप जानते हैं यूसुफ पोतीफर की पत्नी के साथ सोया क्यों नहीं, कोई नहीं था घर में, क्या आसान तरीका है प्रमोशन पाने का, क्या आसान तरीका है प्रमोशन पाने का, बॉस की पत्नी है, और मैं आपको बताना चाहता हूं बॉस की पत्नी है, बॉस की पत्नी ने आपसे कहा कि तुम मेरे साथ व्यवचार करो और मैं तुम्हें सीईओ बनाऊंगी क्योंकि पूरा मेरा ही है, क्या आसान तरीका है प्रमोशन पाने का।
सबको उसने घर के बाहर भेज दिया और बोला तुम मेरे साथ व्यवचार करो बस और मैं तुम्हें पहुंचा। जब कोई नहीं था तो यूसुफ किससे डरा और भाग गया? कौन था वहां पे? सिर्फ यूसुफ की पत्नी थी और कौन था? क्योंकि कोई नहीं था वहां पे तो यूसुफ भागा क्यों? किसी को पता नहीं चलता? कोई है आपके अंदर। हालेलुया। अगर आप ध्यान से सुने, अगर आप प्राइवेट में उसका आदर करेंगे वो पब्लिक में आपको उठा देगा। हालेलुया। क्योंकि प्राइवेट में कोई देखता नहीं है। जब कोई नहीं देखता, किसी ने नहीं देखा यूसुफ, परमेश्वर ने देखा कि मेरा बेटा वो स्त्री से भागा। ये तो पूरा दुनिया को जानना है। हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। ओके, सो उनकी उपस्थिति के प्रति आप क्या रहे? सचेत रहे, जागरूक रहे कि वो है आपके साथ, वो है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत जीवन में उसका आदर करें वो लोगों के सामने आपको उठा देगा। He will lift you up. Amen. Okay. Number 3. पवित्र आत्मा की संगति का मतलब क्या है? Okay. Number 3 का मतलब है ये जानना कि वो आपका सहायक है। वो आपका जीवन परेशान करने नहीं आया है। वो आपका जीवन तबाह करने नहीं आया है। वो आपका जीवन एकदम आपको आपको परेशान करने नहीं आया है। वो इसीलिए आपके अंदर है क्योंकि वो आपको क्या करना चाहता है? He wants to help you. जब तक आप ये चीज को जानते नहीं हैं, आप उससे सहायता मांगेंगे नहीं। You won't ask him for help. बहुत लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा मुझे परेशान करने के लिए आया है, इसीलिए उससे मदद मांगते नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा मेरा जीवन खराब करने आए हैं। नहीं, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक। लेकिन अगर आप जानते हैं कि जो मेरे अंदर रहता है वो मेरा सहायक है, वो मेरी मदद करने आया है, प्रचार में मेरी मदद करने आया है, वो कंपनी में जो मैं काम करता हूँ मेरी मदद करने आया है, मेरे बच्चों के जीवन में एक अच्छा पिता बनने के लिए, अच्छा पिताजी बनने के लिए वो मेरा सहायक है, मैं अकेला नहीं हूँ, वो मेरा सहायक है। और अगर आप जानते हैं कि वो आपका सहायक है तभी आप उसके साथ संगति करेंगे। पवित्र आत्मा ये काम मैं कर रहा हूँ, मेरी मदद करें, क्योंकि यीशु ने कहा कि आप मेरे कौन हैं? सहायक। ही विल हेल्प यू। ऐसा कोई काम नहीं है आपका जो वो समझता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। वो जो डील जो आप करने का कोशिश कर रहे हैं उसको इतने अच्छे से पता है वो डील कैसा है। लेकिन अगर आप सुने, अगर आप ये जाने कि कोई है उसकी सहायता को लीजिए, ही विल हेल्प यू, आपको सक्सेस बना देगा। आप कितने भी जवान हो, 17 जो 30 साल के WWE रेसलर्स गोलियात को मार नहीं पाए, 17 साल का लड़का मार के आया, 17 साल। और वैसे ही जो 100 साल की उम्र में जिनको बच्चा नहीं होता, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उनको बच्चा हुआ। बोलने का मतलब है आप जवान हो या आप बुजुर्ग हैं, पवित्र आत्मा के साथ चलिए। ही विल हेल्प यू, क्योंकि वो आपका सहायक है। ही विल हेल्प यू, वो आपका सहायक है। ही विल हेल्प यू, कुछ भी हो ही विल हेल्प यू। अगर आप जानते हैं कि वो आपका सहायक है तो वो आप उसके साथ संगति कर सकते हैं। ओके, नंबर 4, वो आपका सहायक है। नंबर 4, जो व्यक्ति आपके अंदर रहता है उसके साथ आपका रिश्ता और आपका संबंध, आप और करीब हो जाइए और आपके दोस्ती को और गहरा कीजिए। जो व्यक्ति आपके अंदर रहता है उसके साथ अपने दोस्ती को बढ़ाइए, उसके साथ अपने दोस्ती को बढ़ाइए, उसके साथ अपने दोस्ती को बढ़ाइए। वो एक व्यक्ति है, उसके साथ अपने दोस्ती को बढ़ाइए। जब एक पति पत्नी शुरुआत में विवाह करते हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, क्योंकि दो नए लोग हैं साथ में आए हैं। लेकिन वो जैसे एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, जैसे एक दूसरे को समझते हैं और जैसे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, उतना रिश्ता उनका क्या हो जाता है? गहरा हो जाता है।
वैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उसको जानने का प्रयास कीजिए. नो हिम. उसके साथ अपने रिश्ते को गहरा कीजिए. कौन है जो व्यक्ति जो आपके अंदर है, उसके पसंद क्या है, क्या चीज उसको पसंद है, क्या आप जानते हैं क्या चीज उसको पसंद है. अभी मैं अगर वीरू के साथ जाता हूं, उनके साथ में समय बिताता हूं, इतना समय बिताता हूं, हम साथ में बैठते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो एक समय बाद मुझे पता चलता है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है. क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा को क्या पसंद है, वो है सवाल. क्या आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ गहरा हुआ है? क्या आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ करीब हुआ है? पिछले साल आप कितने करीब थे पवित्र आत्मा के, ये साल क्या आप और करीब हैं? आप कितना करीब हैं? जैसे पति पत्नी रिश्ते में करीब होते हैं, जैसे दो दोस्त रिश्ते में करीब होते हैं, जैसे भाई बहन परिवार रिश्ते में करीब होते हैं, क्या आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते में करीब हुए हैं, वो है सवाल. क्या आप उसे जानते हैं? क्या एक व्यक्ति जो आपके अंदर है, क्या आप जानते हैं कि उसे क्या पसंद है और क्या उसे अच्छा नहीं लगता? डू यू नो हिम? ओके, तीन चीज मैं देने वाला हूं, कैसे मैं अपने रिश्ते को गहरा करूं, हाउ, वो है सवाल. अगर पवित्र आत्मा मुझ में है तो मैं अपने रिश्ते को गहरा और करीब कैसा करूं. सबसे पहला चीज, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को करीब और गहरा करना चाहते हैं, सबसे पहला चीज, आप वचन से भर जाइए. नंबर वन, वचन. आप वचन से भर जाइए, वचन से भर जाइए, वचन को सुनिए, वचन को पढ़िए, वचन को खाइए, वचन से भर जाए. मतलब कोई भी अगर आपको छुए तो पोहा नहीं निकलना चाहिए, वचन निकलना चाहिए. आमेन. आज या फिर जो भी सुबह आपने खाया, ठीक है. पोहा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि रेमा में हम जहां पर थे वहां पर सुबह सुबह पोहा देते थे. तो कोई भी अगर आपको छुए तो आपके मुंह से वचन निकलना चाहिए. इतना आप वचन से भरे हुए हैं. अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को खा, यीशु मसीह ने कहा वचन में लिखा है, क्योंकि वो वचन से भरा हुआ है. उसको आप कहां पर भी छुओ वो वचन ही बोलता है, वचन से भरा हुआ. अगर मत्ती को आपने 500 बार पढ़ा है तो और 500 बार पढ़िए. अगर आपने पूरे बाइबल को 10 बार पढ़ा है, सबको बताइए मत कि आपने 10 बार पढ़ा है, आप और 50 बार पढ़िए. रीड 50 मोर टाइम्स. और अपने आप को हर एक नस में आपका वचन आ जाए, आपके हर एक हड्डी में वचन का छाप आ जाए, वचन से आप भर जाइए. अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, एक व्यक्ति आप सोचिए, एक पति या फिर एक पत्नी अपने बच्चों के साथ या अपने आप के साथ या पति के साथ या पत्नी के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए कितना हद तक जाते हैं. कुछ कभी कभी कुछ लेके देते हैं, कभी कभी बाहर लेके खाने के लिए जाते हैं, कभी कभी सब साथ में मिलके बात करते हैं. रिश्ता बढ़ाना मतलब काम है. कितने लोग सहमत हैं? सब सहमत हैं. अगर आपको रिश्ता बढ़ाना है, रिश्ता बढ़ाना नहीं है तो छोड़ दीजिए. रिश्ता आग के समान है. ध्यान से सुनिए, आग. आग बुझ जाएगा, इसीलिए लकड़ी को क्या करते रहना है, डालते रहना. अगर आप लकड़ी डालेंगे नहीं, आग क्या हो जाएगा? काम है. अगर पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बढ़ाना है, काम है, इट्स वर्क. पति पत्नी से पूछ लीजिए, साथ में रहकर एक साथ परिवार को चलाना क्या है? काम है. It's not, ऐसे ही हो नहीं जाता है, इट्स वर्क. ओके, सबसे पहला चीज, अगर आप उसके साथ एक होना चाहते हैं, जैसा पति पत्नी एक हो जाते हैं, जैसे दो दोस्त एक हो जाते हैं, वैसे अगर आप पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ते को करीब और गहरा करना चाहते हैं, वचन से भर जाइए. बी फुल ऑफ द वर्ड. जो भी टीवी है बंद करें, बंद कर दीजिए, कुछ नहीं है टीवी में. जो भी फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, वो सबको बंद कर दीजिए, वो सब कुछ नहीं है उसमें. इट्स नथिंग. वचन से अपने आप को भरिए, वचन से अपने आप को भरिए, वचन से भरते रहिए. आपका सोच बदल जाएगा, आपका बोली बदल जाएगा.
इट विल चेंज यू. ओके, सबसे पहला चीज है वचन से आप अपने आप को भरिए. दूसरा, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरा चीज है आराधना, वर्शिप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पर भी यीशु मसीह को उठाया जाता है वहां पर पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य से काम करता है. जहां पर भी यीशु मसीह को उठाया जाता है वहां पर पवित्र आत्मा बहुत सामर्थ्य से काम करता है. तो मैं आपसे कहूंगा, जैसे आपका वचन पढ़ने का समय होता है, जैसे आपका प्रार्थना करने का समय होता है, वैसे ही आप समय को निकालिए. मोबाइल में जो आपका गाना है परमेश्वर के गाने को आप लगाइए, आराधना के गाने को लगाइए और हाथ उठा के आप क्या कीजिए उसके, जस्ट वर्शिप, उसकी आराधना करें. जस्ट वर्शिप. आपने वचन पढ़ा बहुत अच्छा, आपने प्रार्थना किया बहुत अच्छा, लेकिन एक समय, थोड़ा सा समय दीजिए सिर्फ आराधना करने में. सिर्फ आराधना करें. कुछ गानों को लीजिए, वेबसाइट में भी कुछ गाने हैं, अगर आपको गाना चाहिए वो गाने को लीजिए और आप आराधना करने लगे. कुछ बोलिए मत, आप सिर्फ हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए. यीशु मसीह को उठाइए, बहुत जरूरी है. अगर आप आराधना में समय बिताएंगे तो आप पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता करीब हो जाएगा, आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ गहरा हो जाएगा. और जितना अधिक आप पवित्र आत्मा के साथ गहरा हो जाएंगे उतने आसानी से उसके आवाज को आप सुन सकते हैं, उतनी आसानी से आप उसको सुन सकते हैं. तो अगर आप उसके साथ करीब होना चाहते हैं, उसके साथ गहरे संबंध को बनाना चाहते हैं, वचन में समय बिताइए. बिना वचन के आपका संबंध बढ़ेगा नहीं, बिना आराधना के आपका संबंध बढ़ेगा नहीं. और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2400 घंटे अन्य भाषा में बातें करें. जस्ट टॉक इन टंग्स. 2400 घंटे आप अन्य भाषा में बातें करें. जितना हो सके आप अन्य भाषा में बातें करें. आप जानते हैं आपका शरीर अन्य भाषा में बातें नहीं करना चाहता. अन्य भाषा में बातें करने के बाद ऐसा लगता है मुंह पूरा सूख गया, क्या फायदा हुआ. अन्य भाषा में बातें करने के बाद मुंह सूख गया, मन नहीं कर रहा है अन्य भाषा बोलने का. लेकिन देखिए, जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं आपकी आत्मा उन्नति पाती है, आपकी आत्मा मजबूत होती है. और जब आपकी आत्मा मजबूत होती है पवित्र आत्मा की आवाज को आप पहचान सकते हैं. यू कैन रिकॉग्नाइज उसकी आवाज को आप पहचान सकते हैं. यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज इट. तो तीन चीज ध्यान से सुनिए. सबसे पहला, वचन से भर जाइए. वचन को लीजिए, ऑडियो को लीजिए और 2400 घंटे सुनते रहिए, सुनते रहिए. परमेश्वर की आराधना में समय बिताइए. अकेले, सबके साथ में नहीं, अकेले में आप गीत को लीजिए. अगर आपका गिटार है या हाथ है उसे उठाकर आप परमेश्वर की आराधना करें. और नंबर तीन, जितना हो सके अगर आप हर दिन एक घंटा अन्य भाषा में बातें करते हैं तो इस दिन से आपका अन्य भाषा में बातें करने का दिन 2 घंटा हो जाए. बातें कीजिए अन्य भाषा में और बातें कीजिए. अगर आपने 5 घंटा बातें किया तो आप बोलिए, प्रभु अगले दिन से मैं 6 घंटा बातें करना चाहता हूँ अन्य भाषा में. मैं जब ऑफिस से घर पे आ रहा हूँ मैं अन्य भाषा बातें करके आऊंगा, मुझे और अन्य भाषा में. पौलुस ने कहा कुरुंथ की कलीसिया में 500 लोग थे, वो 500 लोग मिलकर जितना अन्य भाषा में नहीं बोलते थे उससे ज्यादा पौलुस अन्य भाषा में बातें करता. अन्य भाषा में बातें करें. जितना हो सके आप अन्य भाषा में बातें करें. जितना हो सके आप अन्य भाषा में बातें करें. और जितना अधिक आप अन्य भाषा में बातें करेंगे उतना आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाएगा. इट बिकम सेंसिटिव. आप उसकी आवाज को पहचान सकते हैं. सुनना परेशानी नहीं है, पहचानना. ये किसका आवाज था? मेरा आवाज था कि शैतान का आवाज था, कि पापा का आवाज था, कि पड़ोसी का आवाज था, कि परमेश्वर का आवाज था? ये किसका आवाज था? अन्य भाषा में बातें कीजिए, पता चलेगा किसका आवाज था. जस्ट स्पीक इन टंग्स. वचन में समय बिताइए, उसके साथ रिश्ते को बढ़ाइए, प्रार्थना में अन्य भाषा में समय बिताइए और आराधना में समय बिताइए, ताकि आपका रिश्ता उस व्यक्ति के साथ जो आपके अंदर है आपका रिश्ता और गहरा हो जाए. ओके, नंबर 5, इन्वॉल्व, उसे शामिल करें.
Involve him. Involve him. उसे आप शामिल करें. अगर आप सेवकाई करते हैं तो सेवकाई में उसे क्या करें, शामिल करें. आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो बिजनेस में आप क्या करें, उसे शामिल करें. अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में, कॉलेज की पढ़ाई में आप उसे क्या करें, शामिल करें. क्योंकि वो आपकी सहायता करने के लिए वो आया है. तो जहां पर भी आप हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, यू इन्वॉल्व हिम. आप उसे शामिल करें. कैसे आप शामिल करेंगे, उसे चीजों को पूछिए. टॉक टू हिम. यही पर हम रुक सकते हैं कि आपका परमेश्वर आपसे बातें करता है, यही काफी है. क्योंकि बहुत परमेश्वर बातें नहीं करते हैं. आमेन. हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता है. उसको शामिल करने का मतलब क्या है, कुछ भी निर्णय करने से पहले उसे पूछिए. आस्क हिम. उसका मुंह है वो बोलता है, उसकी आंख है वो देखता है, उसका हाथ है वो छूता है. वो धरती के परमेश्वर के समान नहीं है. उसके पैर हैं वो चलता है, और वो आपके अंदर रहता है. उसे शामिल करें. आप घर चलाना चाहते हैं, उसे शामिल करें. वो आपकी सहायता करने के लिए है. आप बिजनेस डालने का सोच रहे हैं, आप उसे शामिल करें. मतलब उससे आप चीजों को पूछिए. पवित्र आत्मा, आपको क्या लगता है कि हमें ये कैसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए ये चीज हमको, आपको क्या लगता है. उससे आप चीजों को शेयर करें, उससे आप चीजों को बांटिए, उससे बताइए. वो सुनना चाहता है. उससे आप पूछिए, उससे आप सुनिए, उसको आप बताइए, उससे आप सवाल पूछिए. ऐसा कुछ नहीं है जिसका उत्तर वो आपको नहीं दे सकता. उसे आप शामिल कीजिए. इन्वॉल्व हिम. अगर मैं आपसे कहूँ शामिल करना, अगर आपको मेरे घर में शामिल करना है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, मैं बोलूँ आप आइए और हमारे घर के विषय में जरा देखिए. वैसे ही अपने परिवार में आप उसे शामिल करें. वो सभ्य व्यक्ति है, वो दरवाजा तोड़ के आएगा नहीं. वो सभ्य व्यक्ति है. मतलब अगर आप उसे शामिल नहीं करेंगे, वो शामिल नहीं होगा. सभ्य व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है. अगर आप उसे बोलेंगे आप आ जाइए हमारी सहायता करें, तभी वो करेगा. ऐसा घुस के तोड़ के शैतान जैसा काम नहीं करता है. वो सभ्य व्यक्ति है, वो शामिल होना चाहता है, वो आपकी मदद करना चाहता है. लेकिन आप उसे शामिल करें, उसे पूछिए. हमारा परमेश्वर बात करता है ना. उसे आप पूछिए, उसकी सुनिए, उसे आप पूछिए, उसे आप कुछ बताइए, उसे आप चीजों को शेयर करें, उसे आप बातें करें. शेयर, इन्वॉल्व हिम. उसे अपने चीजों में आप शामिल करें. ही विल हेल्प यू. वो आपको बताएगा कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो गलत है, मत कीजिए उसको. वो आपको बताएगा जिससे आप शादी करने का कोशिश कर रहे हैं वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसे शादी मत करो. क्योंकि आजकल फोटो भरोसा नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं. तो पवित्र आत्मा के साथ चलिए, मैं बोल रहा हूं. तो शामिल करना, शामिल करना. वो आपकी सहायता करेगा. इन्वॉल्व हिम. उसको आप शामिल कीजिए कि प्रभु हमें आप बताइए. जब तक आप बताएंगे नहीं, मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा. बस फिनिश. वो लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं अच्छा है, वो बोलता है बहुत अच्छा है, ये लोग बोलते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. लेकिन पवित्र आत्मा, मुझे चिट्ठी फेंकने की जरूरत नहीं है, मुझे पेड़ की जरूरत नहीं है, मुझे स्वर्ग में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर मेरे अंदर है, वो मुझे बताएगा क्या करना है. और वो जब तक मुझे बताएगा नहीं, मैं कदम बढ़ाऊंगा नहीं. वो परमेश्वर है, वो किसी सांसारिक ईश्वर की जरा जगह में बैठा हुआ नहीं है. वो परमेश्वर है, वो बातें करता है. वो मुझे बताएगा 12वीं के बाद क्या करना है. मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा परमेश्वर है. वो मुझे बताएगा किसके साथ मुझे विवाह करना है. वो मुझे बताएगा कौन मेरा पति है, किसके साथ मुझे विवाह करना है. वो मुझे बताएगा कि कौन से जगह में हमको घर लेना है. मैं अनाथ नहीं हूं. क्या आप उसे शामिल करेंगे? वो आपकी सेवकाई को ऊंचाई में लेकर जाएगा. क्या कारण था कि यीशु मसीह की सेवकाई इतना ऊपर गई? क्योंकि कितना भी वो थक गया हो, प्रार्थना छोड़ता नहीं. क्योंकि प्रार्थना में हम क्या करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं. तो यीशु मसीह से आप कहें, प्रभु हजार लोगों के ऊपर आपने हाथ रखा, आप थक गए हैं, आपको सोना चाहिए. बोला नहीं, मुझे पवित्र आत्मा के साथ क्या करना है, संगति करना है. क्योंकि कल के दिन के लिए मुझे जानना है क्या करना है, कैसे करना है.
इसलिए आप संगति कीजिए, उसे शामिल कीजिए, उसे घर में लाइए ना। आप पति हैं, उसे घर में लाइए, वो बताएगा पति का काम कैसे करना है। आप ऑफिसर हैं, उसे लाइए ना, वो बताएगा ऑफिस को कैसे चलाना है, वो बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसे आप शामिल करें, उसे पूछिए। किसी ने हमसे कहा किसी ने हमसे कहा कि मैं पूछ रहा हूं, ये कुछ बोलता ही नहीं है। देखिए, सी इट्स सो इंपॉर्टेंट। देखिए, पहला चीज, परमेश्वर जो है यीशु मसीह, वो मजाक नहीं करता है। जब उसने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मतलब उसने आपको एक सहायक दिया है। अक्सर बहुत लोग इसको ऐसा देखते हैं जैसा अपने वचन को देखते हैं। वो बोलते हैं 9 बजे आते नहीं हैं, वो कुछ बोलते हैं करते नहीं हैं, उनके लिए उनका वचन का कोई मायना नहीं है, इसीलिए वो प्रभु के वचन को भी वैसा ही देखते हैं। वो बोलते हैं मेरा वचन तो कुछ नहीं है, कुछ भी बोलो, नहीं करेगा, चलेगा, आएगा नहीं आएगा, छुट्टी मार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे वचन का कोई अहमियत ही नहीं है, और इसीलिए प्रभु के वचन को भी वैसा ही देखते। आप जानते हैं प्रभु का वचन प्रभु की प्रतिष्ठा है। अगर प्रभु ने अपने वचन को तोड़ दिया, वो प्रभु नहीं है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर उसने कहा कि मैंने तुम्हें सहायक दिया है, मतलब वो सहायक हमारे अंदर है, और अगर आप उसे शामिल करें, वो आपकी सहायता करेगा। तो किसी ने मुझसे कहा मैं बोल रहा हूं लेकिन ये बोलता क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं बोलता है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं, मतलब परेशानी उसके बोलने में नहीं है, परेशानी हमारे पहचानने में है। इसीलिए देखिए, वही व्यक्ति बोलता है कि ये चीज मुझे आ रहा है, लेकिन कौन है, पवित्र आत्मा है कि शैतान है कि मैं खुद हूं कि पड़ोसी है, ये कौन बोल रहा है मुझे। परेशानी आवाज सुनने में नहीं है, परेशानी पहचानने में है। और आप कैसे पहचानेंगे, उसके साथ जितना आप नजदीक हो जाएंगे, उसके साथ अब जितना करीब हो जाएंगे, उतने आसानी से उसके आवाज को पहचान सकते। अन्य भाषा में समय बिताइए, व्यर्थ की बातों को छोड़ दीजिए, अन्य भाषा में समय बिताइए, अन्य भाषा में समय, वचन में समय बिताइए, स्तुति आराधना में समय बिताइए। ओके, उसे आप शामिल करें, उसे चीजों को पूछें, उसे बताइए, सवाल पूछें, उसके साथ काम करना आप शुरू करें। बिना उसके मूसा ने कहा जब तक आप हमारे साथ नहीं आते हैं हम आगे नहीं जाएंगे, आपके बगैर हम बिजनेस नहीं करेंगे, आपके बगैर हम काम नहीं करेंगे, मतलब आपको शामिल किए बिना हम कभी भी कुछ नहीं करेंगे। तो उसे आप शामिल करें, इन्वॉल्व हिम। ओके, नेक्स्ट वर्स 6, आखिरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, जो वो बोलता है वैसा कीजिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। संगति का मतलब है, पवित्र आत्मा की संगति का मतलब है कि जो वो आपसे बोलता है हमें क्या करना है, उसे करना है, आज्ञा मानना है। वो आपकी आज्ञा नहीं मानेगा, आपको उसकी आज्ञा मानना है, क्योंकि वो कौन है, परमेश्वर है, वो आपकी सहायता करने आया है, कुछ कुछ चीज वो आपको बताएगा। अगर आप आज्ञा मानेंगे आपको फायदा है, अगर आप आज्ञा मानेंगे आपको फायदा है। आप उसके साथ नजदीक हो जाइए, आप उसके साथ उसको शामिल कीजिए, और वो चीजों को आपको बताएगा, वो चीजों को आपको प्रकट करेगा, वो चीजों को आपको बताएगा कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो चीज आपको बताएगा, और आपको क्या करना है, जो वो बोलेगा वैसा आपको करना है। हर दिन आप सुबह उठ के आपको बोलना है, प्रभु आप दाखलता हैं, आप चरवाह हैं, और आप कलीसिया के सिर हैं। मैं दाखलता नहीं हूं, मैं सिर नहीं हूं, मैं चरवाह नहीं हूं, मैं डाली हूं, मैं भेड़ हूं, और मैं कलीसिया का अंग हूं। आप चरवाह हैं और मैं आपका आज्ञाकारी बेटा हूं। जो भी आप बोलेंगे, जैसा भी आप बोलेंगे, जिधर भी आप बोलेंगे, मैं वैसा करूंगा। क्या बोल सकते हैं ऐसा?
मैं एक सिपाही हूँ और मेरा कमांडर जो भी मुझसे बोलता है, मेरा कमांडर जो भी मुझसे कहता है, वो मैं करता हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। तो छह चीज आप हमेशा याद रखिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है, और आखिरी चीज पवित्र आत्मा जो भी आपसे कहें आप उसकी आज्ञाओं को माने। ओके, लास्ट स्लाइड। विदाउट ओबीडियंस फेलोशिप इज इनकम्प्लीट। आज्ञाकारिता के बगैर सहभागिता अधूरी है। विदाउट ओबीडियंस फेलोशिप इज इनकम्प्लीट। आपको और मुझे पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलना है, लेकिन सहभागिता पूरा होने के लिए उसकी आज्ञा मानना। वो आपसे कहेगा कि यहां पर जाओ और आप यहां पर जाएंगे, कैसा होगा सहभागिता? वो आपसे कहेगा कि वो मत करो, उससे विवाह मत करो, और अगर आप उससे विवाह करेंगे आपका क्या हो गया सहभागिता? कैसा होगा सहभागिता? कैसा होगा सहभागिता? How will there be fellowship? So without obedience, fellowship is incomplete. आज्ञाकारिता के बगैर सहभागिता अधूरी है। दो वचन को हम देखेंगे और हम खत्म करेंगे। आमोस 3:3। अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं जो वो बोलता है, अगर हम करते नहीं हैं, तो हमारा संगति सफल नहीं है। We have no fellowship. संगति सफल नहीं है। बिना आज्ञाकारिता के संगति अधूरा है, असफल है। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? अगर मैं और पवित्र आत्मा परस्पर सहमत न हो तो क्या हम साथ में चल सकते हैं? अगर मैं और पवित्र आत्मा, अगर हम दोनों सहमत नहीं हैं तो क्या हम संगति कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। वो आपका नहीं सुनता है। जैसे बहुत लोग हैं जो पवित्र आत्मा को खिलौना समझते हैं। दे थिंक पवित्र आत्मा जो खिलौना है, कुछ भी उनको जो अच्छा लगता है वो पवित्र आत्मा के मुंह से बोल देते हैं। दे प्ले विद द होली स्पिरिट। और पवित्र आत्मा के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट प्ले विद द होली स्पिरिट। अननियास और सफायरा पवित्र आत्मा के सामने खेलने लगे। आप जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने अपना जीवन खो दिया। So, पवित्र आत्मा खेलने का चीज नहीं है। इज नॉट समथिंग दैट वी प्ले विथ। ठीक है, वचन में लिखा है कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? अगर आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करना चाहते हैं, जो भी वो आपसे कहें आपको उसे करना है। एवरीडे, हर दिन आप सुबह उठ के बोलिए, मैं आज्ञाकारी हूं, मैं आज्ञाकारी हूँ प्रभु। जैसा आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं, जिधर आप बोलते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, मैं वैसा करता हूँ। हमेशा अपने आप को बोलिए कि मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ। आई एम एन ओबीडियंट पर्सन। मैं आज्ञाकारी हूँ। आप पवित्र आत्मा के साथ चल नहीं सकते अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। ओके, वन मोर वर्स। 1 John 2:3। पहला योहन्ना 2:3 और विल फिनिश। इस वचन को ध्यान से देखिए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, ये कौन से नियम में है? नए नियम में है। प्रेज़ गॉड। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। अभी सवाल है मेरा आपसे, कैसे मैं ये जानता हूं कि मैं उसे जान गया हूं? 50 बार ताली बजाने से या जोर से चिल्लाने से, पड़ोसी को परेशान करके? कैसे मैं बोल सकता हूं कि पास्टर आशीष पवित्र आत्मा को जानता है? कैसे? अगर मैं आपसे कहूं और अगर आप मुझसे कहें कि आप बता सकते हैं कि मेरी संगति कितना है, तो यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी संगति कितना है। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी संगति 10 में से कितना है, तो यीशु आपसे पूछेगा, तुम कितना आज्ञा मानते हो?
तुम्हारा आज्ञाकारी, कितने आज्ञाकारी हो तुम? आज्ञाकारी सिर्फ दो हो तो तुम्हारा संगति कितना है? That means obedience is the measuring tape of fellowship. आज्ञाकारिता से हम संगति को नापते हैं. संगति को आप कैसे नापते हैं? ताली बजा कर नहीं. संगति को आप कैसे नापते हैं? चिल्ला कर नहीं. संगति को आप कैसे नापते हैं? जंप करके नहीं. संगति को आप नापते कैसे हैं? आज्ञाकारिता. आज्ञाकारिता है जो संगति को नापता है. तो अगर आज मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी संगति कितनी है, सवाल यह होगा, कितना आप उसका आज्ञा मानते हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? आप अगर आप नहीं मानते, मतलब आपका और उसका संगति. ये वचन को आप वापस देखिए. यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, जो वो बोलता है हम करेंगे, तो उससे हम जान लेंगे. कैसे मैं जानूंगा कि मैं उसे जानता हूं? क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं. दैट मीन्स ओबीडियंस विल शो कितना आपका संगति है. आज्ञाकारिता के बगैर संगति है ही नहीं. वो आपको बोलता है इधर जाने के लिए, आप उधर जाते हैं. वो आपको बोलता है आने के लिए, आप बाहर जाते हैं. क्या संगति है? कोई संगति नहीं है. दो लोग अगर मैं और वीरू साथ में चले और मैं वीरू को बोल रहा हूं, देखिए आप पवित्र आत्मा को बोलते नहीं है, पवित्र आत्मा हम बिजनेस करेंगे, आ जाओ. पवित्र आत्मा मैं इनसे विवाह कर रहा हूं, आशीष कर दो. पवित्र आत्मा मैं यहां पे घर ले रहा हूं, आप आ जाओ. आप ऐसा नहीं, वो आपके पीछे नहीं जाएगा, आप उसके पीछे चाहेंगे. वो परमेश्वर है और वो आपको बताएगा. अभी हम दोनों साथ में हैं और अगर मैं कुछ बोल रहा हूं, वो कुछ और बोल रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूं, वो इधर जा रहे हैं, क्या हमें संगति हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. मैं जानता हूं कि मैं पवित्र आत्मा के साथ चलता हूं क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को क्या करता हूं? मानता. जो वो बोलता है, जैसा वो बोलता है, मैं करता हूं. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके भावनाएं हैं, मैं उसे शामिल करता हूं, उसके साथ एक होता हूं और जो भी वो बोलता है मैं उसे करता हूं. हमेशा सचेत रहता हूं कि एक व्यक्ति मेरे अंदर रहता है और वो इतना शक्तिशाली है. एक व्यक्ति गन लेकर आया पास्टर के पास, एक विश्वासी के पास गन लेकर आया और उसके सामने आकर गन लेकर ऐसा खड़ा हुआ और बोला कि जो कुछ है निकालो, जो कुछ तुम्हारे पास है निकालो. उस पास्टर ने कहा, उस विश्वासी ने कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत छोटे हो. कौन सा वचन होगा उसके मन में? जो मुझ में है वो उसमें, जो संसार से है काफी बड़ा है. और अगर वो मुझ में बड़ा है तो तुम कौन हो? छोटे हो. उसने उस व्यक्ति से कहा, बंदूक लेके खड़ा है बड़ा वाला, उसने कहा कि तुम बहुत छोटे हो. आप जानते हो उसने क्या किया? उसने अपना बंदूक लिया, वहां पे गिराया और भाग गया. क्या आप जानते हैं आपके अंदर कौन है? यू आर सो पावरफुल. आप इतने शक्तिशाली हैं बिकॉज द होली स्पिरिट लिव्स इन यू. आप बहुत शक्तिशाली हैं. अभी उसे पहचानिए, उसके साथ रिश्ता मजबूत कीजिए, वचन में समय बिताइए, प्रार्थना में समय बिताइए, आराधना में समय बिताइए, अन्य भाषा में समय बिताइए. उसके साथ आपका रिश्ता गहरा होगा और जितना गहरा आपका रिश्ता होगा, जितना नींव गहरा है उतना ही ऊंचा बिल्डिंग है. जितना गहरा आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ है उतने ही ऊंचाई में आप जाएंगे. तो वो 17 साल का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा के साथ जो संबंध है उसमें गहराई में जाएगा, वो ऊंचाइयों को छुएगा और वो आपके साथ होगा यीशु के नाम से. आमीन. आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद प्रभु. लॉर्ड वी प्रेज यू. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं. वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस. वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. ओ सिखरामा सांठे के बदरो मंदिर. थैंक यू लॉर्ड. वी प्रेज यू. वी प्रेज यू. वी प्रेज यू. वी प्रेज यू.
Lord, we praise you. We praise you. We praise you. आइए कुछ समय मुझे धन्यवाद दें. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु. पवित्र आत्मा की संगति, आपकी सफलता का राज पवित्र आत्मा की संगति. पिता स्वर्ग में है चेलों के लिए. जब यीशु मसीह उनके साथ था, चेलों का रहस्य था कि वो यीशु मसीह के साथ चल रहे थे. वो उनका रहस्य था. वो जो कुछ भी करते सफल होते हैं क्योंकि वो यीशु के साथ चलते हैं. लेकिन आज यीशु स्वर्ग में है, आज हम किसके साथ चले हैं? यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया है, जैसे आदम परमेश्वर के साथ चला, चेले मेरे साथ चले, वैसे ही तुम पवित्र आत्मा के साथ चलो. तुम्हारी सफलता उसी में है. तुम्हारी सफलता भले तुम्हारे पास काम है या नहीं है, भले तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, भले तुम कॉलेज में पढ़ते हो या बिजनेस करते हो या काम करते हो, पगार ज्यादा है या कम है, अगर पवित्र आत्मा के साथ समय बिताओगे और अपने संबंध को गहरा करोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें ऊंचाई में लेकर जाएगा, जैसे वो दाऊद को लेकर गया, जैसे पौलुस को लेकर गया. कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के राज में आज ऊंचाई में है, वो इसीलिए है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने रिश्ते को पवित्र आत्मा के साथ, जो रिश्ता है उसको गहरा किया. आज से आपके जीवन की प्राथमिकता ये हो जाए कि आप पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ता को गहरा करेंगे. लेट इट बिकम द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ. उसके साथ आप गहरे रिश्ते को गहराई में जाइए, उसको जानने की इच्छा रखें. जितना आप उसको जानेंगे उतना यीशु की आराधना बढ़कर करेंगे. जितना आप उसको जानेंगे उतना वचन पढ़ने का मजा आपको आएगा. जितना आप पवित्र आत्मा को जानेंगे उतना प्रार्थना में समय बिताने का आपका मन करेगा. जितना आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएंगे आत्मिक चीजें उतना ही बेहतर आपके लिए हो जाएंगे. पवित्र आत्मा के साथ समय बिताइए. स्पेंड टाइम विद द होली स्पिरिट. तेरे पवित्र स्थान. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे. लेट्स स्टैंड. सब मेरे साथ बोलिए, आज का वचन मेरे लिए है. सफलता की कुंजी मैं जान गया हूं. पवित्र आत्मा की संगति, उसके साथ चलना, उसके साथ अपने संबंध को गहरा करना, ये सफलता की कुंजी है. आदम परमेश्वर के साथ चला, चेले यीशु के साथ चले, हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं. इसलिए पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ और गहरा हो जाए और करीब हो जाए, क्योंकि वो हमारा सहायक है और मुझे सहायता की जरूरत है. घर में, आर्थिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, अपने जीवन में, रिश्तों में, विवाह में, शरीर में, मुझे सहायता चाहिए. मेरा सहायक है, मैं उसके साथ संगति करता हूं. आज से जब तक जीवित हूं उसके साथ चलूंगा, उसके साथ दौड़ूंगा और हर क्षेत्र में मैं सफल हूंगा.